हे गेमर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप लोग जानते ही होंगे, पहले के टाइम पे एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन 50,000 के ऊपर ही देखने को मिलता था। बट अभी के टाइम पे 30,000 के अंदर बहुत सारा न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जिनमें अल्ट्रा फ्लेक्सिबल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और आप लोग भी 30,000 के अंदर एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो को आखिर तक देखिए ना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, जिसे आप लोग 30,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और ये सारा स्मार्टफोन में फ्लेक्सिबल का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसका एंड्रॉइड स्कोर 1.5 मिलियन के ऊपर निकल गया है, जिससे आप लोग BGMI वगैरह 90 FPS पे खेल पाओगे। गेमिंग फोन के अकॉर्डिंग अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा, बढ़िया डिस्प्ले के साथ, बिग रैम, बिग स्टोरेज का सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, और बाकी सब स्पेसिफिकेशन तगड़ा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है OnePlus Note 4। 30,000 के अंदर मेटल बॉडी के साथ आने वाला एक बढ़िया सा फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली OnePlus Note 4 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.74 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो की सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को। 2150 nits/s HD10 प्लस सपोर्ट दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस का बात किया तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ट है। 1.4 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड को निकल के आता है, 13 5G का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट में LPDDR5X रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है, और इसका टॉप वेरिएंट में LPDDR4X रैम UFS 4.0 स्टोरेज टाइप दिया गया है। फ्लेक्सिबल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया जाए तो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है Sony LYT 600 सेंसर के साथ, और OIS का सपोर्ट दिया गया है। 8 MP का अल्ट्रावाइड, 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 60 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिलता है। 5500 mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है 100W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, ऑक्सीजन OS पे बेस्ड है। 4 साल का OS अपडेट, 6 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में TDS स्पीकर देखने को मिल जाता है, IP65 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग दिया गया है। और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जो 8GB रैम 128GB 33,000 rupees में देखने को मिलेगा, डिस्काउंट लगा 30,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है Vivo T3 Ultra। 30,000 के अंदर एक अल्टीमेट फ्लेक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Vivo T3 Ultra की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का फुल HD प्लस 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 3D कप एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 4500 nits/s दिया गया है, HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, 10-bit कलर डिस्प्ले के साथ, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस का बात किया तो MediaTek की तरफ से Dimensity 9200 प्लस चिपसेट मिल जाता है, जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस्ट है। 1.5 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड को निकल के आता है, 8 5G का सपोर्ट, LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। और ये स्मार्टफोन में अल्ट्रा फ्लेक्सिबल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया तो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है Sony IMX 921 सेंसर के साथ, और OIS का सपोर्ट दिया गया है। 8 MP का अल्ट्रा हाइट, 50 MP का सेल्फी कैमरे के साथ। स्मार्टफोन का फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी टॉप नॉच लेवल का देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन में 5500 mAh की बैटरी मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 8W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, फैंटाजोस 14 पे बेस्ड है। 2 साल का OS अपडेट, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। और स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग दिया गया है। और ये स्मार्टफोन बहुत ही स्लिम है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB डिस्काउंट लाके 30,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है पोको F6। 30,000 के अंदर एक अल्टीमेट लेवल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली पोको F6 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को। 2400 nits/s दिया गया है, HDR10 प्लस का सपोर्ट, डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है, 12-bit कलर डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट, 920Hz का PWD बिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में डिस्प्ले फ्लेक्सिबल लेवल का दिया गया है। और परफॉर्मेंस का बात किया तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसका एंड्रॉइड स्कोर 1.5 मिलियन के ऊपर निकल आता है। ये प्रोसेसर 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है, LPDDR5X रैम, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अल्ट्रा फ्लेक्सिबल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन में गेमिंग के लिए एक अलग से चिप मिल जाता है। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50
फुली मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी IMX 882 सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे और फ्रंट कैमरा से 1080p 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। गेमिंग फोन के अकॉर्डिंग कैमरा अच्छा देखने को मिल जाता है और 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 90W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, हाइपर ओएस पे बेस्ड है, 3 साल का ओएस अपडेट, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है और ये स्मार्टफोन में IP64 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाता है, बहुत सारा AI फीचर्स देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का प्राइस के बाद के जो 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट लगा के 25,000 के अंदर मिल जाएगा ये स्मार्टफोन। नंबर 2 पे आता है Realme GT60। 30,000 के अंदर Realme की तरफ से फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप लोग Realme GT60 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को। 6000 nitpick brightness HDR 10 plus का सपोर्ट, Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले दिया गया है और परफॉर्मेंस का बात किया है तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 7 plus Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस्ड है, 1.5 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल कर आता है। LPDDR5X RAM दिया गया है। ये स्मार्टफोन का बेस वेरियंट में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है, इसका टॉप वेरियंट में UFS 4.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, सोनी LYD 600 सेंसर के साथ OIS का सपोर्ट दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सोनी IMX 355 सेंसर के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। गेमिंग फोन के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन में कैमरा अच्छा देखने को मिल जाएगा। 5500mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 120W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, Realme UI 5.0 पे बेस्ड है, 3 साल का वेयर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में IP65 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाता है, बहुत सारा AI फीचर्स का सपोर्ट दिया गया है, लूज रीजनेबिलिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है और प्राइस के बाद की जो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट अभी के टाइम पे 30,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है IQ Neo 9 Pro। 35,000 के अंदर अल्टीमेट लेवल का फ्लैगशिप क्लास स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली IQ Neo 9 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। पहले डिस्प्ले का बात कर लेते हैं, 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ फ्लैट AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करता है 144Hz रिफ्रेश रेट को और 3000 nitpick brightness मिल जाता है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है और परफॉर्मेंस का बात किया Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8 Gen 2 का चिपसेट मिल जाएगा जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, 1.7 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल करता है, LPDDR5X RAM, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा और कैमरा का बात किया जो पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा सोनी IMX 920 सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा और फ्रंट कैमरा से 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। 5160mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, फांटा जो इस पे बेस्ट होगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है और ये स्मार्टफोन का प्राइस की बात किया तो 8GB रैम 256GB वेरिएंट अभी के टाइम पे डिस्काउंट लगा के 35,000 के अंदर मिल जाएगा।